नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। आइए आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद एटा शहर के लोगों को बहुत कम पता होगा, जो कि शिकोहाबाद रोड सुनहरी नगर फेस टू में स्थित है। हम बात कर रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर की, जहां आए दिन कुछ न कुछ नए नए चमत्कार होते रहते हैं। कहने को बहुत छोटा सा मंदिर है जिसको मनकामेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो आज एक ऐसे चमत्कार के बारे में बात करते हैं जो आज तक ना किसी ने देखा ना सुना होगा। बीते 7 अगस्त 2023 को कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ जिसको देखकर लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। इससे पहले बता दें कि ये मंदिर मार्च 2017 को बनकर तैयार हो चुका था, पर किसी कारण इस मंदिर में मूर्ति स्थापना नहीं हो पाई थी, ना ही मंदिर में कोई शिवलिंग थी। लोग बिना किसी शिवलिंग और मूर्ति के ही मंदिर में पूजा करते थे, फिर भी लोगों के सारे काम बनते हैं। पास के लोग यह भी बताते हैं कि इस मंदिर पर नए नए लड़के एवं लड़कियां सरकारी नौकरी एवं रोजगार के लिए मंदिर पर लगातार 7 सोमवार शाम को पूजा एवं मंदिर की सेवा करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब तक कोई भी जवान लड़का लड़की यहाँ से निराश होकर नहीं गया है। यहाँ सेवा करने वाले हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, कई को तो सरकारी रोजगार मिला है। ये तो हो गई एक बात जो आसपास के लोग बताते हैं। चलिए अब जाने और क्या क्या होता है यहाँ। यहाँ ये भी सुनने को मिला है कि जिन लोगों के परिवार में संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र की इच्छा रखने वालों की भी मनोकामना पूरी हुई है। 7 सोमवार लगातार लोग पूजा करके अपने सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सोमवार शाम को यहाँ आकर घंटे दो घंटे बैठते हैं मंदिर में, बाबा से प्रसाद ग्रहण करके घर ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाने से संतान सुख की प्राप्ति होना बताया गया है। बताया गया है कि एक नहीं दो नहीं कम से कम 5000 से ज्यादा लोग यहाँ आए और मंदिर की 7 सोमवार पूजा की सेवा की, बाबा से प्रसाद लिया और पुत्र रत्न सुख प्राप्त किया है, ऐसी खूबियां बताई जाती हैं और बहुत से नेता भी यहाँ आए हैं। अब चलिए वापस आते हैं कि 7 अगस्त 2023 को आखिर ऐसा क्या हुआ जो लोगों ने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। गली के बाहर से मरघट की चिता की राख से सीधी लाइन मंदिर की तरफ आती है और मंदिर में राख का ढेर ही ढेर लग जाता है। अब आसपास के लोग इस राख को हटाकर देखते हैं तो राख के बीचों बीच एक शिवलिंग पाई जाती है जो कि मंदिर में पहले नहीं थी। पड़ोसियों को रात में आवाज भी सुनाई दी कि मंदिर में कोई पूजा हो रही है। रात के 2 बजे का समय पास वाले घर में जो बच्चे थे उन्होंने खिड़की से देखने की कोशिश की तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो बच्चों को लगा कि बिल्ली होगी। फिर सुबह के टाइम सोमवार का दिन पड़ोस से पूजा करने आए लोगों ने जब ये नजारा देखा, सभी पड़ोसियों को बुलाया बताया तो पूरा मोहल्ला दंग रह गया। सभी अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप भी इस मंदिर में आकर सच्चाई से बखूबी वाकिफ हो सकते हैं। अगले सोमवार को हम भी मामले की सच्चाई जानने यहाँ पहुँचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एटा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।